हेलो गाइस, साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार पोर्टेबल साइज का मिनी मल्टीमीटर बनाकर दिखाने वाला हूं, जिस मल्टीमीटर को हम एक 9 वोल्ट की बैटरी की मदद से बनाएंगे। और इस मल्टीमीटर की हेल्प से फ्रेंड्स, आप किसी भी बैटरी का जो वोल्टेज वो आसानी से पता कर सकेंगे, और उसके अलावा आप इसकी मदद से सभी कंपोनेंट को भी आसानी से टेस्ट कर पाएंगे। और ये हमारा मल्टीमीटर फ्रेंड्स पूरी तरह से रिचार्जेबल होगा, जिससे इसकी बैटरी खत्म होने पर आप इसे फिर से चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये मल्टीमीटर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, और इस वीडियो को देखकर आप इस मल्टीमीटर को इजीली घर पे ही बना सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से इस मल्टीमीटर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं इस मल्टीमीटर को बनाने के लिए एक 9 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूँ, और इस बैटरी को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। आप किसी भी पतले पेचकस की मदद से इस बैटरी को इजीली ओपन कर सकते हैं। तो अब आपको इसे कुछ इस तरीके से पुश करना है, जिससे इस बैटरी के जो सेल है वो बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस बैटरी के जो ये सेल है उसकी हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो ये बैटरी का बाहर का केस है, हम इसका ही यूज़ करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस मल्टीमीटर को बनाने के लिए कुछ कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने ली है 150 mAh और 3.7 वोल्ट की लिथियम पॉलीमर बैटरी, और इस बैटरी को फ्रेंड्स मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया था। तो यहाँ पर हमने जो ये लिथियम पॉलीमर बैटरी ली है वो प्रोटेक्शन के साथ चार्ज हो, इसलिए यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा TP4056 बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल का। तो अब यहाँ पर आपको एक 3 पिन का स्लाइड स्विच लेना है, जिससे हम इस मल्टीमीटर को ऑन ऑफ कर सकें। और यहाँ पर मैं एक ले रहा हूँ 5 वोल्ट का बजर। तो यहाँ पर मैं इस मिनी मल्टीमीटर को बनाने के लिए यूज़ करूँगा 0 से 100 वोल्ट का एक वोल्ट मीटर, जिस वोल्ट मीटर से आप किसी भी बैटरी का वोल्टेज टेस्ट कर सकते हैं। और इसका जो कनेक्शन है वो भी बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। इसका जो ये ब्लैक और रेड वायर है उसके ऊपर आपको बैटरी का कनेक्शन कर देना है, और इसका जो ये ब्लैक और येलो वायर है उसके ऊपर आप जिस भी बैटरी को टेस्ट करना चाहते हैं उसका कनेक्शन कर देना है। तो अब यहाँ पर जो हमारा ये बैटरी का केस है उसके ऊपर ये वोल्ट मीटर और ये बजर अच्छे से फिक्स हो जाए, इसके लिए यहाँ पर हमें कटिंग करनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी से इसके ऊपर मार्किंग करके कटिंग कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इसके ऊपर कुछ इस तरीके से कटिंग कर दी है। तो अब यहाँ पर जो ये पीछे का पार्ट है उसके ऊपर हम इस TP4056 मॉड्यूल को कुछ इस तरीके से लगाने वाले हैं, और ये एक स्विच को। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम इसके ऊपर कटिंग करनी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं जल्दी से इसके ऊपर कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सभी का जो कटिंग है वो कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए अब जल्दी से सभी कंपोनेंट का जो कनेक्शन है वो कर लेते हैं। We'll be right back.
तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस सभी का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए एक बार मैं आपको इस सभी का कनेक्शन समझा देता हूँ। तो यहाँ पर इस बैटरी का जो ये प्लस और माइनस है उसे आपको इस TP4056 के बी प्लस और बी माइनस के साथ सोल्डरिंग कर देना है। और यहाँ पर इस TP4056 का जो आउट का प्लस और माइनस है उसके साथ आपको दो वायर को कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर जो इसका माइनस पॉइंट है उसे आपको सीधे इस वोल्ट मीटर के माइनस पॉइंट के साथ सोल्डरिंग कर देना है। और यहाँ से हम एक वायर को निकाल के हमने जो यहाँ पर 9 वोल्ट का सॉकेट लगाया उसके माइनस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है। तो अब यहाँ पर हमने TP4056 के आउट प्लस पॉइंट के साथ जो वायर को कनेक्ट किया उसे आपको इस लाइट स्विच के बीच वाले पॉइंट के साथ सोल्डरिंग कर देना है। और स्लाइड स्विच का जो ये फर्स्ट पॉइंट है उसे वोल्ट मीटर के प्लस पॉइंट के साथ और थर्ड पिन है उसे आपको इस बजर के प्लस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने बीच में एक डायोड को लगाया है जिसमें इस तरफ इसकी वाइट पट्टी है। अब यहाँ पर इस बजर का जो ये माइनस पॉइंट है और इस वोल्ट मीटर का जो ये येलो वायर है उसे सीधे इस 9 वोल्ट का जो सॉकेट है उसके प्लस पॉइंट के साथ सोल्डरिंग कर देना है। तो कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स सिंपल कनेक्शन है। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो यहाँ पर मैं इसका डायग्राम भी दे दूंगा, तो उसे देखकर आप इसे इजीली बना सकेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इस पूरे सर्किट को इस बैटरी के केस के अंदर फिक्स करना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारा कोई भी कंपोनेंट और वायर आपस में टच ना हो। अगर कोई कंपोनेंट और वायर आपस में टच होगा तो हमारा जो ये पूरा सर्किट है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सभी कंपोनेंट के ऊपर ग्लू गन को अच्छे से लगा के या फिर टेप को लगा के इसके अंदर फिक्स करना है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं जल्दी से इस पूरे सर्किट को इसके अंदर फिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो इसका पूरा सर्किट था उसे मैंने इस बैटरी के केस के अंदर अच्छे से फिक्स कर दिया है। और यहाँ पर जो हमारा ये वर्ल्ड का सबसे छोटा मल्टीमीटर है वो एकदम बन के रेडी हो चुका है। तो आप इसकी मदद से बैटरी को इजीली टेस्ट कर पाओ, इसके लिए यहाँ पर हमें एक कनेक्टर को बनाना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से इस कनेक्टर को बना लेते हैं। तो इस कनेक्टर को बनाने के लिए आपको एक मल्टीमीटर के प्रोब्स की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर आपको एक लेना है 9 वोल्ट का कनेक्टर। आप इसे किसी भी 9 वोल्ट की पुरानी बैटरी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके का एक पीवीसी पाइप का पीस कट किया है जिसके ऊपर हम इस कनेक्टर को कुछ इस तरीके से लगा सकें। तो चलिए मैं जल्दी से इस दोनों वायर का कनेक्शन इस कनेक्टर के साथ कर देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ये छोटा पॉइंट दिख रहा है उसके साथ आपको माइनस का कनेक्शन करना है और बड़े वाले पॉइंट के साथ प्लस पॉइंट का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस कनेक्टर को लगा दिया है। तो चलिए अब जल्दी से इस मिनी मल्टीमीटर को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस मल्टीमीटर में आपको दो मोड देखने को मिलेंगे, जहाँ पर फर्स्ट मोड में आप वोल्टेज को मेजरमेंट कर पाएंगे और सेकंड मोड में आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे पास कुछ डिफरेंट टाइप की बैटरी है, जिसमें ये है 18650 लिथियम आयन बैटरी और यहाँ पर मैंने दो लिथियम आयन बैटरी को सीरीज में कनेक्ट किया है। और उसके अलावा यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास एक 12 वोल्ट की भी बैटरी है। तो चलिए अभी सभी बैटरी का जो वोल्टेज है उसे इस मल्टीमीटर की मदद से टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि इस बैटरी का वोल्टेज हमें 3.99 वोल्ट दिखा रहा है। तो अब यहाँ पर मैंने दो बैटरी को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो चलिए इसका भी वोल्टेज टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका वोल्टेज हमें 8.01 वोल्ट दिखा रहा है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है, तो चलिए इसका भी वोल्टेज टेस्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स इसका वोल्टेज हमें 12.2 वोल्ट दिखा रहा है। तो आप इस तरह से फ्रेंड्स 100 वोल्ट तक किसी भी बैटरी का वोल्टेज इस मिनी मल्टीमीटर की मदद से पता कर सकते हैं। तो चलिए अब इस मिनी मल्टीमीटर का जो ये सेकंड मोड है यानी कि कॉन्टिन्यूटी मोड, उसे भी टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा जो ये कॉन्टिन्यूटी मोड है वो किस तरह से वर्क करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इस दोनों प्रोब्स को आपस में टच करोगे तो यहाँ पर आपको बीप की साउंड सुनाई देगी। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास एक एलईडी बल्ब का ड्राइवर है, तो चलिए इस ड्राइवर में इस फ्यूज रजिस्टर को टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें बीप की साउंड सुनाई दे रही है, इसका मतलब हमारा जो ये फ्यूज रजिस्टर है वो एकदम सही कंडीशन में है।
तो यहाँ पर मेरे पास एक एलईडी है, तो आप इस एलईडी को भी इस मल्टीमीटर की मदद से आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारी जो एलईडी है वो जल रही है, उसके अलावा यहाँ पर बीप की साउंड भी आ रही है। तो चलिए अब इसकी मदद से डायोड को भी टेस्ट करते हैं। डायोड में आपको एक साइड कॉन्टिन्यूटी शो होगी और दूसरी साइड नहीं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूटी नहीं मिल रही और दूसरी साइड हमें कॉन्टिन्यूटी मिल रही है। इसका मतलब हमारा जो ये डायोड एकदम सही है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप इस मिनी मल्टीमीटर की हेल्प से सभी कंपोनेंट को भी इजीली टेस्ट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से आप इस मिनी मल्टीमीटर को इजीली घर पर ही बना सकते हैं। तो आपको ये मल्टीमीटर कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।